वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अल उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने अजान के बारे में मशवरा हो रहा है कि अजान के लिए कैसे लोगों को बुलाया जाए नमाज के वक्त। किसी ने कहा नाकूश बजाना चाहिए, किसी ने कहा घंटा बजाना चाहिए, मुख्तलिफ बुलाए। कोई मामला तय नहीं हुआ। रात को एक सहाबी ख्वाब देखते हैं, उसके हाथ में नाकूस है। वो साहबी कहते हैं यार ये मुझे दे दो कि तुम क्या करोगे। कहा यार हम लोग नमाज के लिए लोगों को बुलाने के लिए कोई तदबीर सोच रहे हैं, ये नाकूस दे दो, हम इस नाकूस के जरिए से लोगों को जमा किया करें। उस शख्स ने कहा कि मैं उससे अच्छी चीज तुम्हें बताऊं। कहा कि हाँ बताओ भाई क्या। उसने पूरी अजान सुनाई। कहा कि इस तरह अजान देकर लोगों को बुलाया। अल्लाह का फरिश्ता अब सुबह बेदार हुए, फजर के बाद दरबार रिसालत में पहुंचे। यार सुल्ला रात मैंने ऐसा सा ख्वाब देखा, ख्वाब देखा और पूरी अजान सुना दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से तमतमा गया। कहा कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे लिए इंतजाम कर दिया, इस शख्स के कल्ब पर इस अजान को नाजिल कर दिया। आज के बाद बिलाल तुम इसी अजान के जरिए से लोगों को नमाज के लिए बुलाया करो। अब यह गुफ्तगू हो रही है। हज उमर फारूक अपनी चादर घसीटते हुए दौड़े आ रहे हैं। जब वहां देखा कि लोग उस साहबी को मुबारक दे रहे, मुबारक भाई कितनी बड़ी बात, कल रसूलुल्लाह परेशान थे सब बैठे थे और आज अल्लाह ने तेरे दिल पे ही बात उतार दी। वाह विवाह मुबारक भाई, मबरूक मबरूक मुबारक दे रहे। वो खुश हो रहा। और बेहनी यही ख्वाब हज़रत उमर फारूक भी रात को देख चुके थे और ये ख्वाब सुनाने के लिए दौड़ रहे थे। जब वो करीब आए देखा कि सारा मजमा उस एक शख्स को जो एजाज दे रहा है, मोहब्बत दे रहा है, तो सोचा अगर मैंने अभी कहा कि मैंने भी ये ख्वाब देखा है तो इसकी मोहब्बत में कमी आ जाएगी। खामोश हो गया कि रवि अभी इसको जो मोहब्बत मिल रही है देने, ऐसा जर्ब होगा। अगले दिन बाद में जाकर बताया, जब लोगों ने उसको इस तरह एजाज दे दिया, अगले दिन का यार सुना मैंने भी रात को ये ख्वाब देखा था, लेकिन उस शख्स को मोहब्बत और इज्जत मिल रही थी मुसलमानों में, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको मोहब्बत इज्जत आज लूटने दो। उमर कोई बात नहीं, कर रसूलुल्लाह को बात हो। रसूलुल्लाह मुस्कुराए, फरमाया कि उमर तेरे इस ख्वाब से तो उसके ख्वाब की तस्दीक हो गई।